गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है सिस्टम ऑफ नेमिंग ए बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। जितने भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इस पृथ्वी पर हैं, उनके सिस्टमेटिक तरीके से जो नाम रखने की प्रक्रिया है, उसे हम बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। देन सबसे पहले अगर इसकी बात की गई थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, किसी भी जितने भी जीवधारी हैं, तो जीवधारियों के नाम देने की प्रक्रिया जो होती है, तो उसकी अगर सबसे पहले बात की गई थी तो कास्पर बेन के द्वारा पाइनेक्स में 6023 में इन्होंने सबसे पहले बात की थी। उसके बाद कैरोलस लिनियर ने इसकी प्रिंसिपल्स को 7051 में, सबसे पहले कैरोलस लिनियर प्रपोज प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक फिलोसफिका बोटानिका, इन्होंने फिलोसफिका बोटानिका में 7051 में सबसे पहले इसके प्रिंसिपल्स की बात की थी। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, जो सिस्टमेटिक तरीका है, जो वैज्ञानिक पद्धति है, उस तरीके से नाम प्रदान करने की प्रक्रिया ऑर्गेनिज्म की बात कैरोलस लिनियस ने इसके प्रिंसिपल की बात की थी। देन लिनियस फर्स्ट यूज नोमेनक्लेचर बुक स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट के ऑर्गेनिज्म या प्लांट ऑर्गेनिज्म है उसके नोमेनक्लेचर की बात की थी सबसे पहले इन्होंने। तो इन्होंने पहले प्रिंसिपल की बात की, देन बुक इन्होंने अपने इस बुक में स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट के नोमेनक्लेचर की बात की। देन अदर बुक इनका था सिस्टम नेचुरा, जिनमें इन्होंने 4326 एनिमल्स के नोमेनक्लेचर की बात की थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो होता है कास्पर के द्वारा बात की गई थी, देन कैरोलस लिनियर ने इसके प्रिंसिपल की बात की, उसके बाद कैरोलस लिनियर ने 7053 में इसके प्लांट के नोमेनक्लेचर की बात की, और जो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर की बात इन्होंने 7058 में की थी। अब जो होता है ये साइंटिफिक नोमेनक्लेचर जो हम या द्विनाम पद्धति बायोनोमेनक्लेचर की बात करते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं? तो रूल्स के बारे में सबसे पहले जानते हैं। साइंटिफिक नेम शुड बी इन लैटिन और लैटिनाइज इफ दे आर टेकन फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। मतलब तो सबसे पहले जो होता है लैटिनाइज होगा, लैटिन होगा और लैटिनाइज वर्ड में होगा जब अगर अदर लैंग्वेज से लिया गया है। तो सबसे पहले देन ईच नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, सभी जो होते हैं टू वर्ड्स से बने होते हैं। ये जो होते हैं ईच नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, एक वर्ड्स जीनस का होगा और दूसरा जो होता है स्पीसीज का होता है, एक वंश का होगा और दूसरा उसकी जाति का होगा। तो ये याद रखना है कि कोई भी दो वर्ड्स से मिलकर बना होगा, एक जीनस होगा दूसरा स्पीसीज होगा। अगर ये जीनस और स्पीसीज की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर कोई भी नाम है, अगर हैंड रिटन होगा, अगर बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसी भी प्रजाति का या जाति का किसी भी ये का नाम, अगर बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का नाम अगर हम बोलेंगे कि हैंड रिटन है, अगर वो हैंड रिटन हो गया तो हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा। सेपरेटली अंडरलाइन हो कैसे होगा, देखिए जैसे यहाँ की मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नी इंडिका, तो इसमें जीनस है आपका मैग्नीफेरा और इंडिका है स्पीसीज, तो इसको अंडरलाइन, ये हैंड रिटन है इसीलिए इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अलग अलग अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रिंटेड होगा, हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए मैग्नीफेरा में और इंडिका में मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है तो अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अगर प्रिंटेड होगा तो वो इटैलिक में लिखा रहेगा, जैसे कि बुक में लिखा हुआ रहेगा या कहीं और भी प्रिंटेड रहेगा तो वहाँ पर अंडरलाइन नहीं, वहाँ सिर्फ इटैलिक वर्ड्स में यूज़ करेंगे। देन ऑथर साइटेशन इसका क्या होना चाहिए, तो ऑथर साइटेशन में द नेम ऑफ ऑथर इज ऑलवेज रिटन आफ्टर स्पेसिफिक इपिथेटिक इंपेरेटिव फ्रॉम रोमन टाइप। मतलब कि अगर इसके ऑथर का भी नाम हमको लिखना होता है तो सबसे पहले हमने जीनस लिखा, देन स्पीसीज लिखा इंडिका, और इसको खोजा किसने है तो मैंगो का जो बोटानिकल नेम है उसको खोजा है लिनियस ने, तो हम उसको रोमन वर्ड में डॉट देंगे। देखिए यहाँ पर डॉट दिया है मैंने, डॉट दे के अलीन लिख देंगे क्योंकि ये लिनस के द्वारा खोजा गया है तो ये ऑथर का नाम है। तो आप समझ गए जीनस स्पीसीज और ऑथर का नाम, और ये अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी मतलब किसको मान्यता ज़्यादा देना चाहिए, तो रूल ऑफ आईसीबीएन जो आइडेंटिफिकल बोटानिकल जो नेम
इंटरनेशनल बोटानिकल नेम का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो होता है, इन केस टू और मोर नेम आर गिवन द ओल्डेस्ट नेम द नेम फर्स्ट इज रिकॉग्नाइज एज वैलिड नेम अदर नेम सिनोनिम्स। मतलब कि अगर कोई भी जैसे कोई भी स्पीसीज कोई भी नाम है मैंगो है या कुछ भी है, तो अगर उस बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का दो या तीन नाम रख दिया गया तो जो सबसे पहले नाम आया है जो ओल्डेस्ट नेम है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है द ओल्डेस्ट नेम दैट रिकॉग्नाइज फर्स्ट वैलिड, मतलब जो ओल्डेस्ट नेम है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा और वही वैलिड होगा फर्स्ट, और बाकी जो वर्ड उसके बाद में आएंगे उसको क्या किया जाएगा सिनोनिम्स के रूप में जाना जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है अमलतास है, अमलतास प्लांट है, उसका दो है कैसिका टोरा है और कैसिका ग्लेवका है, तो कैसिका टोरा जो पहले आया था तो ये बोटानिकल नेम अमलतास का माना जाएगा और बाकी जो कैसिका उल्का है जो बाद में आया है इसको हम सिनोनिम्स के रूप में मानेंगे। तो ये हमने जाना है कि रूल्स क्या होते हैं, जो भी बायोनॉमिकल नॉमलिक्लेचर है उसके रूल रेगुलेशन क्या होता है आज हमने जान लिया। बायोनॉमिकल नॉमलिक्लेचर जो होता है एक बार हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ नेमिंग है, बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, सबसे पहले कैस्पर के द्वारा किया गया था, उसके बाद कैरोलस लिनियस ने प्रिंसिपल दिया था, उसके बाद कैरोलस लिनियस ने अपने फर्स्ट बुक जो था स्पीसीज प्लांटेरम में प्लांट की बात की थी, उसके बाद एनिमल्स की बात इन्होंने सिस्टम नेचरा में की थी, उसके बाद इसके रूल्स हमने जाने हैं कि क्या रूल्स होते हैं, लैटिन जीनस और स्पीसीज होते हैं, ठीक है, और हमेशा जो हैंड रिटन होगा तो अंडरलाइन होगा और अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक होगा, और ऑथर साइटेशन ऑथर का नाम जो होता है डॉट दे के और रोमन टाइप में लिखा जाएगा। इसके बाद जो होता है अगर किसी भी प्लांट का या किसी भी एनिमल्स का दो या तीन उसके साइंटिफिक नेम है तो जो सबसे ओल्डेस्ट नेम है वो वैलिड माना जाता है, और जो उसके बाद के नाम जो आते हैं उसको हम क्या करते हैं सिनोनिम्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो आज हमने जाना है कि बायोनॉमिकल नॉमलिक्लेचर क्या है और इसके रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। इसी के साथ ये समाप्त होता है, थैंक यू सो मच।